मेडिको लीगल डिपार्टमेंट टोटल फेल है कहे छे हूं। मेडिको लीगल डिपार्टमेंट ना हो खबर से केतरो रहम है इन्हें मेडिकल रिपोर्ट का असी मर्डर के से खटे भी ना भी आया भी ना। मैं आपको मैं आपको बताता हूं कि मैंने केस पढ़ा, उस केस में यह था कि एक आदमी मर्डर हुआ किसी गांव में और जो मुजरिम था या मुजरिम था उसने वकील किया तो फिर अली अब्दुल रहमान केवल साइट के बहुत अच्छे वकील थे अपील में नीचे उसको सजा आ गई। अपील में तुफेल साहब ने अपील दाखिल की हाईकोर्ट में और उस पर उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वो रिपोर्ट पेश उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा देखिए मैदा उन्होंने खोला स्टमक उसमें आधे कच्चे चावल पाए गए आधा हजम आधा तो कहने लगे ये सूरत हाल तक होती है दो घंटे जब खाना खाने के बाद गुजरते हैं दो घंटे के बाद जब खाना आदमी खा लेता है और चावल खाता है तो चावलों की ये हालत दो घंटे के बाद होती है। इसका मतलब है कि ये आदमी गांव से चला था फलाने टाइम और जहां जी बार दिखाया गया हमारा है वहां दो घंटे के बाद पहुंचा उसका उसका मर्डर हुआ और उस रोज टाइम था जब मेरा मौकल उस जगह मौजूद नहीं था वो मेरा मौकल दूसरे गांव गया हुआ था लिहाजा कैसे कत्ल हुआ इसने कैसे कत्ल किया। एक मैदे में जो चीजें थी वो उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर वकील साहब ने उसका केस बदल कर दिया क्योंकि साबित हो गया कि वो बंदा तब तक जिंदा था जब तक ये मुजरिम या मुजरिम वो फलानी जगह में मौजूद था लिहाजा उसका कोई कत्ल के वास्ते नहीं है। यहाँ पे मुझे खालिद साहब ने कहा था कि आप लीगल साइड पे बोलिएगा और तो मैं ये टच कर रहा हूँ कि आप सब साहबान ने जो स्पीकर साहबान थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें की थी हर पहलू पर उन्होंने डिस्कस कर लिया है बताया है तो मैं आपको थोड़ा सा लीगल अब इनका एक नौजवान बच्ची और वेरी सोशल वेरी एक्टिव और उसका फिर मर्डर होना तो पहले जो इतला हुई कि खुदकुशी हुई है। अब खुदकुशी की जब बात होती है जब किसी एसएचओ को रिपोर्ट मिलती है कि फलाने जगह पे वो खुदकुशी का केस हुआ है तो वो सेक्शन 174 सीआरपीसी में वहां इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है वहां आता है स्पॉट पे वो सारी चीजें नोट करता है राष्ट्रीय सारी और वो रिपोर्ट उन्होंने एसएचओ ने बनाई और कहा कि खुदकुशी का केस है वहां की जो वाइस चांसलर थी मोहतरमा उन्होंने भी यही कहा गया खुदकुशी लगती है। बाद में निमिता के भाई जसप्राल आए गए उसने कहा कि नहीं ये तो मर्डर है तो गले में जो निशान है वो तो दुपट्टे का नहीं है वो तो एक रस्सी का है या केबल वायर का है इतना शार्प निशान कैसे। उसके बाद एक तफसीली रिपोर्ट हुई तफसील मुआयना हुआ है बच्ची का उसमें ये ओपिनियन है कि दिस इज द मर्डर खुदकुशी नहीं है क्यों कि अगर रस्सी होती है तो उसके अलग निशाना होते हैं। हमारे यहाँ है मोदीज जूर स्टूडेंट्स मेडिकल जूर स्टूडेंट्स उसमें पंखे से बचने के बाद क्या होता है कैसे कैसे निशाना लाते हैं गले की क्या सुविधा होती है
या गर्दन पर रस्सी की जो रस्सी के जो बाल आ जाते हैं वो किस पर उनका रोग किस तरफ होता है, पंखे की तरफ होता है या नीचे की तरफ होता है, गले का कुछ साइज बढ़ जाता है, ये सारी चीजें नोट करने के बाद आदमी आराम से पहुंचा, अगर कोई एक्सपर्ट है तो पहुंच जाता है नतीजे पर कि ये खुदकुशी नहीं है, बेटर है इस तरह खुदकुशी नहीं हो सकती। एक आदमी दुपट्टा पहन के और अपने आप को नहीं है, उसके बाद सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस भी जो पता है। अब समझदार ये है कि इंक्वायरी यहाँ पे होम सेक्रेटरी ने जब हंगामा हुआ था होम की बात के लिए, तो होम सेक्रेटरी साहब ने इनको कहा लोकल सेशन जो डिस्ट्रिक्ट को कारखाने को वहाँ इंक्वायरी करे, लेकिन इस तरह नहीं होती इंक्वायरी। इंक्वायरी के लिए डिस्ट्रिक्ट को रखना पड़ता है चीफ जस्टिस साहब मुकर करते हैं, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट वो उन्होंने फिर मुकर हुआ। अब वो इंक्वायरी चल रही है लेकिन इंक्वायरी की रिपोर्ट आई ही नहीं, जब दो इंक्वायरी हो रही है लेकिन इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो मैं बताऊंगा मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट हमारा बहुत इस तरह और इदारे तबाह हो चुके, मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट भी तबाह हो चुका है, इसको दोबारा बनाने की जरूरत है क्योंकि बहुत अहम है डिपार्टमेंट, इन लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन लोगों को बाहर भेजना चाहिए और लेटेस्ट कौन सी रिपोर्ट आती है उनको सीखना सीखे कि किस तरह की मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट काम करना चाहिए, और फिर इस डिपार्टमेंट में मैं बहुत गड़बड़ भी है वैसे कि मेरे वाले साहब माय फादर वाज अ डॉक्टर और सरकारी डॉक्टर 1950 की बात कर रहा हूँ, ही वाज डॉक्टर, तो मुझे याद में बच्चा था तो मैं वहां आया तो वो सिविल सर्जन साहब वाले साहब पर नाराज हो रहे थे, कह रहे थे तो मैं तुझे कह रहा हूँ 326 का निकालो सर्टिफिकेट, 300 बाबा पोस्टमार्टम कर, तो तुम 324 की रिपोर्ट लेकर आया, मैं नहीं करूंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि देश पर जख्म नहीं है, इतने जख्म नहीं है, कह रहे कि मैं 326 का सर्टिफिकेट दे दू, 326 का मतलब है बेस्ट बहुत गहरी चोट जिसमें 20 दिन तक हॉस्पिटल आदमी होता है और मर भी सकता है, तो ग्रीवियस इंजरी वो निबंधन था। अब मैंने ये 2-3 बार ये झगड़े देखे हो सिविल सर्जन साहब कहते थे उनको, ये सारा खेल है यहाँ पे जो असल सुख वाले लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं जिनका मोल है सारे नोबेल यहाँ शहरों में नोबेल कैपिटल सरमाएदार और इस तरह के लोग ब्यूरोक्रेट और इंजीनियर में वगैरह जमींदार, ये सारे गिरफ्त में ले चुके हैं मुल्क, ये चाहते हैं किसी को सजा दिलवाना तो उस हिसाब से सर्टिफिकेट निकलेगा, अगर ये किसी की फेयर करना चाहेंगे उसी तरह से सर्टिफिकेट निकलता है, तो ये करप्शन की वबा सारे मुल्क में फैल गई है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, अब ये जो मौजूदा हुकूमत बदायूं तो कर रही है लेकिन वो दैट्स नॉट रियल ऑपरेशन, कहीं बढ़कर ज्यादा आगे जड़ों तक पहुंचना होगा, इस मर्ज को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा, उसके बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मेरा दोस्त सुभाष वली जो कहता था, मैंने से कहा कि आखिर तुम चाहते क्या, मैं ये जो गंदी दुनिया है, ये जो बेहुदा दुनिया है, ये जो बकवास दुनिया है, इसको पाश पाश करके तोड़ के नई और फर्स्ट क्लास दुनिया बनाना चाहता, मैं भी सोच रहा हूं तो बात तो सच कर रहा था, अब वक्त आ गया कि ये जो दुनिया हमारे फैली हुई है एक बेहुदा दुनिया, एक करप्ट दुनिया, एक नानसाजी की बनी दुनिया, इस दुनिया को खत्म होना चाहिए, तो एक बेहतरीन दुनिया
बेहतरीन दुनिया बनाना चाहिए, बेहतरीन दुनिया बने जहाँ इंसाफ हो, जहाँ पे खुशी हो, अमन हो, जहाँ पे इस तरह के वाकयात न हो, जुल्म न हो और जुल्म को छुपाने की कोशिश न हो। एक इस वाक्य का एक पहलू और है जो और तलब है, वो ये है कि बच्ची का ताल्लुक अपनी सबके से था। उस पर मुझे याद आया कि जिनाह साहब की तकरीर मुझे याद आई जो उन्होंने गोपी सेवन में की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कि अब मामला हो गया है, हम आजाद हैं, अब ये भूल जाए कि कोई मुस्लिम है या हिंदू है या ईसाई है। मजहबी सेंस में नहीं, मैं ये कह रहा हूं मजहबी सेंस में नहीं लेकिन पॉलिटिकल सेंस में, और ये स्टेट का कोई मजहब नहीं होता। वाह वाह, स्टेट का कोई मजहब नहीं होता। तो इन लोगों को हिंदू या ईसाई या बौद्ध या सिख को आप अकलियत क्यों कहते हैं जबकि तैयार पाकिस्तानी, जब पाकिस्तानी है तो ये अकलियत कैसे हो, जब ये पाकिस्तानी है तो ये अकलियत कैसे हो गए? ये सब बड़ा पड़ रहे जो आप लोगों ने बटोरा किया हुआ है, आपने अपने मकसद के लिए किया हुआ है कि आप और खाएं और लूटे और मारे, हमारा कुछ भी हो इनका पेट भरना चाहिए। ये पॉलिसी ज्यादा नहीं चलेगी, मुल्क को आप उस जगह पर ले आए हैं कि हमारा मुल्क तकरीबन खत्म है, खत्म है बिल्कुल। इस मुल्क को हमें उबारना होगा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप मुत्तहदा हो, आप इतिहास करें, आप आगे बढ़े, आप हर जगह जहां जहां है एहतजाज करें, आवाज बुलंद करें, सुधारने की कोशिश करें, हम कामयाब होंगे। ये मुल्क बेहतरीन मुल्क बनेगा। इस तरह के वाकयात वहां पर नहीं होंगे, इस तरह के वाकयात करके आप कत्ल के वाकयात को नहीं छुपा सकेंगे। ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा दौर आना है और हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये नहीं हो सकता। कई खराबियां हैं, बुनियादी खराबियां, क्या बुनियादी खराबियां हैं यहाँ इस मुल्क में? एक तो मैंने बताया, क्या जिन्ना साहब ने कहा जब एक लीडर आप लीडर की बात नहीं मान रहे तो जब आज देखते हैं कि क्या हुआ है, लीडर का क्या किया, जो भी है उसने बात की, अब वो अलग मसाइल है। लेकिन जब आप एक लीडर आपका पाकिस्तान जिसने बनाया वो कह रहा है कि ये मुल्क मजहबी तौर पर नहीं चलेगा, अब वो आईन में है इस्लाम इज रिलीजन ऑफ द स्टेट। आप बताएंगे एक दीवार का मजहब होता है क्या? मजहब तो आदमी का होता है ना, दीवार का मजहब होता है क्या? पंखे का मजहब होता है क्या? पंखा मुसलमान या हिंदू होता है क्या? स्टेट धरती क्या ये मुसलमान और हिंदू होती है? नो, इट इज नॉट। आदमी होता है, हर किसी का अपना अपना मजहब है, वो दबाए है, लेकिन मजहब आदमी का होता है, इंसान का होता है। तो इस उसूलों से हटने की वजह से अफरा तफरी फैल गई है और कौम भट गई है, कौम भट गई है, हर कोई अलग अलग किसी हो गया है। और जिस तरह बढ़ता चला जाएगा, इस तरह और बढ़ता चला जाएगा। आपको मजहब को घरों में बंद करना होगा, उससे अगर ये स्टेट में रहा जाता तो प्रॉब्लम होंगे। तो दोस्तों ये सुविधा है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप लोग आते हैं, मेहरबानी का आप लोग आए हैं फंक्शन में, और इस तरह के आना चाहिए, ये हमारा पूरी फर्ज है इस तरह के, और अपने ख्याल में आधार करना चाहिए और कंटेम ऑल जो भी गलत हो रहा है उसको कंटेम करना चाहिए। थैंक यू।